काफी टाइम से एक सब्सक्राइबर हैं एथलिक, आई डोंट नो उनका ये ओरिजिनल नेम है या मुझसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सॉरी। उन वो काफी टाइम से मुझे एक सीरीज के बारे में बोल रहे थे, द प्रोमिस नेवरलैंड एनिमे सीरीज के बारे में बोल रहे थे कि भाई इसका रिव्यू करो। तो यार कर रहा हूँ कर रहा हूँ, और बाकी बहुत सारे कुछ मुझे कॉमेंट्स आते हैं। हाँ तुम यही बोलोगे यार तुम्हारे 450 सब्सक्राइबर हैं उसमें 25-25 तुम्हारे व्यू आते हैं, उसमें बहुत सारे कॉमेंट भी आने लगे। यार जो भी 3-4 जो कॉमेंट आते हैं उनमें मुझे बहुत बहुत नहीं, मतलब कुछ भी जो भी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं अपनी फेवरेट मूवी या फेवरेट एनिमे सीरीज या मूवी जो भी सजेस्ट करते हैं, तो यार थोड़ा सा वेट करो तुम्हारा भाई सबका बदला लेगा, आई मीन सबका रिव्यू करूंगा मैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द प्रोमिस नेवरलैंड एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड है, ये 2019 में आई थी और ये आप लोगों को इंग्लिश में डब मिल जाएगी। खैर मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि यार आप इसे इंग्लिश में ना देखकर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें, नीचे आपको सबटाइटल मिल जाएंगे। देखो यार मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप जब ओरिजिनल लैंग्वेज में आप जब इस चीज को देखोगे तो आप इससे अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, यार वो फील आती है। मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं मैं ज्यादातर उनको इंग्लिश डब में ना देखकर विद सबटाइटल इन ओरिजिनल लैंग्वेज यानी जापानीज लैंग्वेज में उसे देखना प्रेफर करता हूं। अब चर्चा कर लेते हैं इसकी कहानी की। एक अनाथालय यानी एक ऑर्फनेज है, उसके अंदर 37 बच्चे हैं और ये 37 बच्चे एक फैमिली की तरह रहते हैं, मतलब ये सारे के सारे अनाथ हैं, तो एक दूसरे के साथ ये फैमिली जैसे रहते हैं व्यवहार करते हैं। और एक दो महीने बाद इनका हर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है और इसमें दिखाया गया है कि हर दिन इन बच्चों का टेस्ट होता है और टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ये अपने माइंड को एक्टिव रख सके, इनको और ज्यादा होशियार बनाया जा सके, इनके दिमाग को डेवलप किया जा सके। और इस ऑर्फनेज में 3 बच्चे हैं जो सबसे बड़े हैं, जो 11 साल के हैं। एक का नाम है एमा जो एक अच्छी खिलाड़ी है और उसके अलावा है नॉर्मन और रे। अब ये नॉर्मन की इन दोनों की प्रॉब्लम यानी मतलब कि वीकनेस भी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि दोनों जो है बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अच्छे से प्लानिंग बना सकते हैं। और वीक पॉइंट नॉर्मन का ये है कि वो कमजोर है, मतलब कि उससे खेल कूद ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। और रे का वीक पॉइंट ये है कि वो जल्दी से हार मान जाता है। देखो ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं उसका एक रीजन है, वो आने वाली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब इस ऑर्फनेज का एक डार्क सीक्रेट या मैं कहूं एक बहुत भयानक सीक्रेट एमा और नॉर्मन को पता चलता है। जब बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है उसको डीमंस को दे दिया जाता है यानी राक्षसों को दे दिया जाता है उनको खाने के लिए। देखो यार ये सीक्रेट जब उनको पता चलता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। एमा नॉर्मन अब यही सोच रहे होते हैं कि अब इस ऑर्फनेज से जैसे तैसे निकला जाए। अब एमा जो है वो ये चाहती है कि अपने साथ अब इन जो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी वो लेके जाए, क्योंकि उसका दिल नहीं मानता कि जिसे वो अपनी फैमिली मानती है उसको पीछे छोड़ के चले। यार कसम से इस ये जो चीज़ मैंने देखी कि भी उस मुसीबत के टाइम में अपने आप को प्रेफर ना देकर अपनी फैमिली को प्रेफर देना, ये कमाल की, और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमा और नॉर्मन अब अपनी ये बात जो है रे को भी बताते हैं, उसको अपने अंदर शामिल करते हैं और साथ ही साथ दो और एनिमे कैरेक्टर हैं उनको भी वो इसमें शामिल करते हैं। वो देखो मैं का नाम नहीं बताने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर एक इंफॉर्मेशन आपको देकर इस एनिमे सीरीज का मजा गिर करा कर दूं। तो ये तीनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं जैसे तैसे इस ऑर्फिनेज से बाहर निकलने का। जब उन्हें पता चलता है कि उनको एक ऐसे फसल की तरह यहां पे पाला जाता है ताकि डीमंस उनको खा सकें, उनके माइंड को खा सकें, या फिर जो भी है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जब पता लगाना शुरू करते हैं कि जहां पर ये रह रहे हैं ऑर्फिनेज में रह रहे हैं वो एक जंगल के बीचों बीच में, और उसके जो चारों तरफ एक हेक्सागन का एक गोला चक्कर लगा रखा है। आप हेक्सागन को छोड़ दो, एक समझ लो एक सर्कल के उसके चारों तरफ एक सर्कल है, वो बहुत लंबी लंबी दीवारें उसके खड़ी कर रखी हैं। और जब ये तीनों बच्चे जब प्लानिंग करते हैं जिस ढंग से वो बात करते हैं यार आप देखकर हैरान हो जाओगे कि आप सोचोगे कि 11-12 साल के जो बच्चे हैं वो इतना एडवांस लेवल का कैसे सोच सकते हो। तब एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि इन बच्चों का हर दिन टेस्ट होता है जिससे इनका दिमाग जो है अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। इन तीनों एनिमे कैरेक्टर का आपस में बात करना, प्लानिंग एग्जीक्यूट करना, सारी चीज इतनी कमाल की यार देखते हुए मतलब बिलीव नहीं हो रहा था यार, इतने अच्छे ढंग से ये अपने काम को करने में माहिर हैं यार, और इतना अच्छा से वो सोच पा रहे हैं, कमाल का है। इस एनिमे सीरीज की हर एक चीज कमाल की है। और इस एनिमे सीरीज का जो एक इसमें जो ऑर्फनेज में एक जो इजाबेल के नाम से एक जो औरत दिखाई गई है जो इन सब बच्चों को संभालती है, जो सब बच्चे इसको मोम मोम कह के पुकारते हैं, तो इसकी भी एक डार्क साइड दिखाई गई है, इसकी भी बैक स्टोरी दिखाई गई है। और एनिमे सीरीज की सबसे या एनिमे मूवी की सबसे एक खास बात, मतलब कि और भी बहुत सारी अच्छी बातें, और इनमें अच्छी बातों में एक बात ये भी है कि ये जो विलन होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, उसके बारे में गहराई से भी बताते हैं। और इजाबेल के बारे में आपको लास्ट में पता चलेगा कि उसकी क्या स्टोरी है और वो क्यों इतनी डिप्रेस है, क्यों इतनी सैड है, क्यों ऐसी बन गई है। जब इसके बारे में आप लोगों को इसके लास्ट में जब कहानी बताई जाती है तो एक तरीके से आप इससे भी कनेक्ट हो जाते हैं और आपको फील होता है कि यार इसके साथ भी बुरा हुआ है। देखो मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो यार जब एनिमे सीरीज किसी भी विलन के बारे में बताती है हमें उससे अच्छे से कनेक्ट कर देती है तो हमें वो विलन भी अच्छा लगने लग जाता है।
इस एनिमे सीरीज की कहानी कमाल की है। और जब इसका फर्स्ट सीजन खत्म हो गया था और ऐसे मोड़ पे खत्म हुआ था, मैं इसका सेकंड सीजन देखने के लिए मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं तो होगा, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया क्योंकि इसका सेकंड सीजन अभी तक आया नहीं। अब सेकंड सीजन आ जाना चाहिए था, बट थैंक्स टू चाइना जिसने कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया और उसकी वजह से ये जो सीजन है सेकंड सीजन इस द प्रोमिस नेवरलैंड का, ये भी डिले हो गया। अब जैसे जितना मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया कि जनवरी 2021 के अंदर ये वाली जो सीरीज है इसका सेकंड सीजन आ जाएगा, देखने को सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज मुझे पता चली कि इसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। देखो यार ये बनना तो जाहिर सी बात है क्योंकि एनिमे बहुत कमाल की, हर 2019 की मैं कहूंगा कि यार सबसे अच्छी एक एनिमे सीरीज ये रही है। इस एनिमे सीरीज में सस्पेंस बहुत ज्यादा है और इसका साउंड भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसकी एनिमेशन वो तो कमाल की, काफी जगह आप लोगों को लगेगा यार ये रियलिटी है। देखो अब देखो यार इसके अंदर 12 एपिसोड है, हर एपिसोड की अगर मैं बात करने बैठा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और ऊपर से आप लोगों को स्पॉयलर्स मिल जाएंगे और जिस वजह से आप कमेंट बॉक्स में गालियां लिखना शुरू कर दोगे, और मैं नहीं चाहता क्योंकि एक रिव्यू चैनल है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एनिमे सीरीज कमाल की है और इसको देखना वर्थ इट है। आप जब इसको देख के हटोगे तब ये नहीं कहोगे कि यार टाइम खराब हुआ, आप सच में बहुत ज़्यादा खुश होगे। और मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो यार, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिन्होंने देख ली प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और थैंक्स उस सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट की, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की वजह से मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।